बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम क्लास 10th। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार एंड द डिवाइजर बिलो द बार। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू इज अ फ्रैक्शन विद एक्स माइनस टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इफ एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो देन द फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो गिव्स एक्स इज इक्वल्स टू टू विच मेक्स द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन जीरो। रैशनल फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स वेयर एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर द पॉलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोफिशंट्स एंड डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ओवर इन टू एक्स प्लस टू एंड टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन इन टू एक्स प्लस टू आर रैशनल फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन, a rational fraction n of x over d of x with d of x equals to not equals to 0 is called a proper fraction if the degree of the polynomial n of x in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator. For example, 2 over x plus 1. यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को अगर देखें तो मेरे पास 2 के साथ जो भी वेरिएबल है y, x जो है उसकी हाईएस्ट पावर 0, यानी अगर मैं यहाँ पर x की पावर लिखूँ 0, वो वैसे भी आपके पास 1 हो जाएगा। तो और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर हमारे पास 1 है। न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है विच इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर, इसलिए इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में 2x माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर हाइएस्ट पावर 2 है। 1 इज लेस देन 2, इसलिए ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड 3x स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस 1 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर भी आप पावर्स को देख सकते हैं, न्यूमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और यहाँ पर डिग्री 3 है। Improper fraction, a rational fraction n of x over d of x with d of x is not equals to 0 is called an improper fraction if the degree of the polynomial n of x is greater or equal to the degree of the polynomial of d of x. यानी numerator में जो polynomial है उसकी degree अगर denominator में मौजूद polynomial की degree के equal हो या उससे greater हो, उस case में वो improper fraction होगा। जैसे यहाँ पर 5x over x plus 2 दोनों की degree 1 है, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए ये भी इम्प्रॉपर है। 6x पावर 4 ओवर x क्यूब प्लस 1 आर इम्प्रॉपर क्योंकि यहाँ पर डिग्री 4 है न्यूमिनेटर में और यहाँ पर डिग्री 3 है डिनोमिनेटर में। 4 इज़ ग्रेटर देन 3, इसलिए ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस बाय डिवीजन टू द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम डिवीजन मेथड से इसको रिड्यूस करेंगे जिसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल आएगा और एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। दिस मीन्स दैट इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर देन वी कैन डिवाइड एन ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स ऑब्टेनिंग कोशेंट पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स एंड अ रिमाइंडर पॉलिनोमियल आर ऑफ एक्स हुज डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स, वो पार्ट हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल प्लस आर ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है और ये हमारे पास जिसे हमने डिवाइड किया है डिनोमिनेटर वो आ जाएगा विद डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जिसमें हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या है, कोशेंट पॉलिनोमियल है एंड आर ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका कोशेंट एक्स माइनस वन आता है, रिमाइंडर हमारे पास टू आता है और हमने जिसे डिवाइड किया है ये एक्स प्लस वन है। सो एक्स माइनस वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन, इसमें आप ये देखिए ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर में मौजूद एक्स की पावर मेरे पास जीरो है और यहाँ एक्स की पावर वन है। रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर दें तो वो उसके पार्ट्स उस पार्शियल फ्रैक्शन, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये इस एक्सप्रेशन को अगर हम रिजॉल्व करें तो इसके ये मेरे पास पार्ट्स आते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1, 2 बाई एक्स प्लस 1 एंड 4 बाई एक्स,
ये इसके पार्ट्स आ रहे हैं, इसको पार्ट्स में रिजॉल्व कर देने को रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। सबसे पहला रूल पार्शियल फ्रैक्शन का हमारे पास है, रेजोल्यूशन ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर का मतलब ये है कि वहाँ पर उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाइएस्ट पावर हमारे पास 1 है। जैसे ये एग्जाम्पल अगर हम देखें, 5x+4 डिवाइडेड बाई x-4x+2, यहाँ x की दो लीनियर फैक्टर्स हैं, देयर आर टू लीनियर फैक्टर्स x-4 and x+2। यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, सो ये लीनियर फैक्टर्स हैं। और नॉन रिपीटेड का मतलब ये है, नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि x-4 एक ही दफ़ा आ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा। यानी अगर ये x-4 होल स्क्वायर होता या होल क्यूब होता तो रिपीट हो रहा होता, बट दिस इज़ नॉन रिपीटेड, एट सिंगल टाइम अपीयर हो रहा है। x+2 ये भी नॉन रिपीटेड है लीनियर फैक्टर, दो या तीन दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा। इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, रिजॉल्व इंटू पार्शल फ्रैक्शन 7x-9 डिवाइडेड बाई x+1 x-3। दोनों लीनियर फैक्टर्स हमारे पास इसके नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, x+1 भी और x-3 भी। इसे हम इसके पार्ट्स में जब लिखेंगे तो ये a/x+1 + b/x-3। a एंड b आर अननोन और हमें पार्शल फ्रैक्शन में ये अननोन ही फाइंड आउट करने हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड्स पे x+1 × x-3 से, यानी इस एलसीएम से दोनों साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ तो ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और 7x-9 आ जाएगा = a × इसके साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस फ्रैक्शन के साथ x+1 और x-3 को, x+1 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b × x+1 आ जाएगा क्योंकि b के नीचे x-3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। टू फाइंड a वी पुट x+1 = 0 एंड विच गिव्स x = -1। हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, उन दोनों लीनियर फैक्टर से हम x की वैल्यूज बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे पहले हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, 7 × -1 - 9 = a × -1 - 3 + b × -1 + 1। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास, और -7 - 9 = -4a, इसे सॉल्व करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेकंड जो लीनियर फैक्टर है x-3 को हम = 0 करके यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसे पुट करेंगे मेन इक्वेशन नंबर 1 में और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर 4/x+1 + 3/x-3। हमारे पास जो मेन इक्वेशन आ रही है जिसमें हमने 7x-9/x+1 × x-3 को रिजॉल्व किया इसके पार्शियल फ्रैक्शन में = 4/x+1 + 3/x-3। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसका सलूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x-1/x²-1। इसमें डिनोमिनेटर में मेरे पास जो फैक्टर है, ये जो पॉलिनोमियल है, दिस इज़ रिड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर्स। x²-1 को बाय यूजिंग फार्मूला a²-b² मैंने a+b और a-b में कन्वर्ट कर दिया x-1 और x+1 में। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया और इसके मेरे पास ये दो पार्ट्स आ रहे हैं फ्रैक्शन में, a/x-1 + b/x+1, यानी एक ये इसके साथ और एक इसके साथ। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को बाय x-1 और x+1 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा 3x-1 = a × x+1 और + b × x-1। पुटिंग x-1 = 0 इम्प्लाइज x = 1 इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और हमारे पास 3 × 1 - 1 = a × 1 + 1 + b × 1 - 1, इसे सॉल्व करें तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x+1 = 0 करके जो दूसरा लीनियर फैक्टर है वहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, उसे पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो यहाँ से मेरे पास 3 × -1 × -1, इनको सॉल्व करें मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। इन दोनों वैल्यूज़ को, a की वैल्यू
और b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें जो हमारे पास मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये आएगा 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 7 इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। ये इम्प्रॉपर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हम दोनों डिनोमिनेटर में इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करें तो x की हाईएस्ट पावर 2 आती है, और जब न्यूमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्रीज इक्वल हो जाएं तो वो इम्प्रॉपर होगा। ये मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स आता है। हम इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे। डिविजन मेथड में मैंने इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 6। इसमें ये मेरे पास कोशेंट है और ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसे हम अगर इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखें तो ये हमारे पास आएगा a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 से तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट फैक्टर को इक्वल्स टू 0 कर दें, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसे पुट करें तो a की वैल्यू 9 बाई 5। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करें, x की वैल्यू माइनस 3 इस इक्वेशन में पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 ओवर 5। तो 1 प्लस 9 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये 9 ओवर 5 a की वैल्यू है, माइनस 4 ओवर 5 हमारे पास b की वैल्यू थी इंटू एक्स प्लस 3। इज हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1।